नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन खरबंदा नई दिल्ली से। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर मैं XPX 10 की जो टोन अब नई लेके आया हूँ, कोशिश की है उसमें आपको कुछ अच्छा और दे सकूँ। पिछले बैकअप में जो था प्रोग्राम, उसको मैंने दोबारा अपडेट किया है और इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें डाली गई हैं। तकरीबन काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, तो कोशिश है कि आपको अच्छी टोन दे सकूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसे कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये मेरा बैकअप बहुत जल्दी आपके पास अब पहुंचने वाला है, और इसके बाद मेरा XPX 30 का भी नया बैकअप जो है वो अपडेट होके आने वाला है। और आइए सुनते हैं पहले XPX 10 की जो टोन है, इसमें नया नया क्या क्या बनाया गया है। तो सबसे पहले बैंक नंबर जो है हमारा 0, बैंक नंबर 0 में स्ट्रिंग 1 नंबर चैनल पे, सभी पे 1 नंबर पे स्ट्रिंग दे रखी है। तो स्ट्रिंग सुनते हैं, आइए। नेक्स्ट है हमारा ट्रम्पेट। नेक्स्ट है हमारा सेक्सोफोन। ये हमने XPX 60 का सेक्सोफोन बनाया है, जो मैंने XPX 30 के अंदर बना रखा था, लगभग वैसा ही है ये। शहनाई है हमारा फिल्मी रबाब, जो हमारा XPX 30 के अंदर भी है। नेक्स्ट है हमारा XP 60 का रीड, यानी कि हारमोनियम। नेक्स्ट है हमारा ये Synth 1 JMV। नेक्स्ट है हमारा डबल फ्लूट। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रोफोन। आइए नेक्स्ट बैक पे चलते हैं, बैक नंबर 1 में। वही सब में शुरू में 1 नंबर स्ट्रिंग है और
ये हमारा है नेक्स्ट टोन जो है मेरी बैंक वन की बीन। हमारा जो आजकल लोगों की ज्यादा डिमांड है बैंजो। दिया गया है इसका बेस गिटार और प्लस स्लो स्ट्रिंग और हल्का सा फैंटेसी का भी टोन दिया गया है। काफी लोग सिर्फ बेस गिटार डालते हैं लेकिन मैंने इसके बेस गिटार और साथ में स्लो स्ट्रिंग और फैंटेसी दी है। और ये नेक्स्ट में है हमारा जो एक्सपी 30 के अंदर था महाराजा बैंड। नेक्स्ट है हमारा संतूर। ये नेक्स्ट में चलते हैं, ये गिटार बनाया गया है जो XPX 30 के अंदर था। मैं ये नहीं कहूंगा सेम टू सेम है लेकिन कोशिश करी वैसे थोड़ा सा बनाने की। सिंथ, ये भी सिंथ का एक पार्ट है। ये नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ब्रास। नेक्स्ट बैंक में चलते हैं बैंक नंबर 2 में, शुरू में सब स्ट्रिंग है और हमारा आगे का पार्ट है ये लीड का टोन है हमारा नॉनी लीड। देसी बाजा नाम दिया गया है जो बिल्कुल प्योर हारमोनियम।
हमारा ये अकॉर्डियन वन, इसके अंदर दो तरह के अकॉर्डियन बनाए गए हैं। ये पहला अकॉर्डियन है, नेक्स्ट में है हमारा एक प्लक का टोन बनाया गया, ये भी जैसे हमारा प्लक नॉर्मल होता है ये वो है। नेक्स्ट है हमारा सोलो टोन का, ये नाम दिएगा सोलो टोन। ये न्यू टूती का टोन है, ये अभी। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड ऑर्गन, बेल टोन। नेक्स्ट बैंक में चलते हैं, बैंक नंबर थ्री। सबसे पहले है हमारा स्ट्रिंग, उसके बाद है सितार। लेफ्ट में स्लो स्ट्रिंग के साथ तानपुरा दिया गया, वो डबल में रीड में था, ये सिंगल रीड में आ रहा है। तो नेक्स्ट में चलते हैं स्पार्नो, ये नाम दिया गया स्पार्नो, प्योर स्पार्नो नहीं है, मिक्स होकर आ रहा है। नेक्स्ट में है हमारा फेजर, ये फेजर का पार्ट है एक। गाने का पार्ट जो है, इसलिए मैंने बजा के दिखाया कि इसमें यूज होगा ये। नेक्स्ट में है हमारा कोरस, Oh,
पियानो, पियानो भी इसके अंदर मैंने दो तरह के बनाए हैं। ये भी एक बीन का पार्ट है, ये मैंने जो आपको दिखाया था ये उससे मिलता जुलता ही है। और ये बैंजो दूसरा है, कवाली वाला। आपने जो पहले बैंजो सुना था वो नॉर्मल हम जागरण वगैरह में बजा सकते हैं, ये भी बजा सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा कोशिश करी है कि जैसे कवालियों में बजता है। जो अक्सर लोग बजा कर दिखाते हैं एक ही गाने का पार्ट, चलते हैं। ये एक शहनाई का पार्ट है, और नेक्स्ट में चलते हैं। ये भी प्लक का पार्ट है, सारंगी का पार्ट है ये भी। नेक्स्ट में है हमारा पेरिस सिंथ, ये भी XP30 का टोन जो है वही सेम बनाया गया। ये गरबा टाइप में बनाया गया था, गुजराती टोन टाइप में बनाया गया। और ये हमारा स्वर मंडल में है, नंबर 5। इसमें वायलिन का पार्ट है पहले, होलो गिटार। सैक्सोफोन का ही रिपीट है,
मैंडोलियन, सॉरी मैंडोलियन नहीं है, अकॉर्डियन जो पहले वाला था वो रिपीट है। बैंक के अकॉर्डिंग मैं टोन्स में सेट करता हूं, जैसे हमारे को इस बैंक के अंदर क्या क्या चाहिए, तो मैं इसलिए उसको चीज को किसी को रिपीट भी करता हूं। ये शोले में जो बजा था उस टाइम में बजता है ये। ये भी तूती है, एक पार्ट है, एक्चुअली है ये कर्नाट है, कर्नाट का टोन है, उसको नाम तूती दिया गया। ये बोल्ड एक बॉलीवुड टाइप में पियानो बनाया गया था, और नेक्स्ट में चलते हैं बैक नंबर सिक्स में, ये हमारा अलगोजे का बनाया गया था पार्ट। और उसके बाद है हमारा तुम्बी का, पंजाब में यूज होता है ये वाला इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों अलगोजे और तुम्बी। ये सिंथ जो है ये एक पार्ट दिया सिंथ जे, नेक्स्ट है हमारा ये G6 फ्लूट टाइप में बना गया था, हारमोनिका का एक पार्ट है ये, चलते हैं ये एक लीड का काम है, ये भी लीड टोन है ये। लास्ट नंबर में जाने के लिए जागरण वगैरह में जो बजाते हैं उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। पार्ट बनाया गया था जैसे आज की पिक्चर आई थी पुरानी वाली, उसके अंदर एक गाने में पार्ट बजा होता है। विसल टोन, ये एक विसल टोन है।
दोस्तों इसके बैंक टोटल बने हैं हमारे 7, 0 से शुरू करके 6 तक आ रहे, टोटल 7 बैंक बने हैं। और अगर हम बैंक नंबर 8 में जाते हैं और बैंक नंबर 7 में जाते हैं, अगर हम हाँ जी, ये बैंक नंबर में 7 में आ गया, तो इसके अंदर हमारे साउंड इफेक्ट दे रखे हैं जैसे नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर होते हैं। सो एक नंबर स्ट्रिंग है, बाकी सारे वो तूफान बारिश पानी का, ये चीजें हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताना टोन आपको कैसी लगी, और इसके अंदर किसी चीज में अगर आपको लग रहा है कि रिवर्ब ज्यादा आ रहा है तो वो ज्यादा नहीं है, आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। क्योंकि मेरे थोड़ा स्पीकर में प्रॉब्लम भी आ रही है, वो एक तरफ का एक साइड में बंद है क्योंकि लेफ्ट राइट टोन बनी हुई सारी सी, तो हो सकता है आपको लगे, अदरवाइज ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको ये वाला पैकअप मिलेगा जो नया अपडेट किया गया, अगर कोई लेना चाहता है मेरा दोस्त मेरा भाई तो फ्रेंड तो मुझे फ़ोन करे, मैं नंबर में अपना दे रहा हूँ नीचे, तो मुझे फ़ोन करे। और इसके बाद जल्दी मेरा एक्सपेक्ट 30 का पार्ट 4 भी आने वाला है और उसको मैं जल्दी लॉन्च करूँगा। फिलहाल आप इसको सुनिए, काफ़ी लोगों ने मुझे इसके लिए कहा था, तो सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबका प्यार ऐसे मिलता रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।